हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली रेलटेल आईपीओ आ ही गया, जिसका इंतजार हम कई टाइम से कर रहे थे। फाइनली यहां पर इसने दस्तक दे दी है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको तमाम जानकारी हम यहां पर शेयर करेंगे आपके साथ। रेलटेल आईपीओ से जुड़ी हुई हर एक पैरामीटर पर इसको डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लास्ट में हम बात करेंगे क्या इसमें हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए लिस्टिंग डे से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर बहुत अच्छा वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 5900 प्लस रेलवे स्टेशन लाइव विद रेल वायर वाईफाई। तो जैसे कि दोस्तों पता है, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ देश बढ़ चुका है, तो यहाँ पर रेलवे भी इसी ओर अग्रसर हो चुकी है और रेलटेल यहाँ पर एक यू नो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है रेलवेज के लिए, क्योंकि इसका जो मेजर क्लाइंट है वो इंडियन रेलवेज ही है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसका मेजर क्लाइंट है। चलिए बात करें इसके देखिए बिजनेस मॉडल की। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है ये, और वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स इन इंडिया। ये सोर्स से आई है रिपोर्ट, क्राइसिल की रिपोर्ट है। द कंपनी इज मिनी रत्न कंपनी और देखिए होली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास है। और इनका डेटा सेंटर्स कहाँ हैं देखिए, गुरुग्राम, हरियाणा, सिकंदराबाद, तेलंगाना। और देखिए इनके कस्टमर्स कौन कौन हैं, इंडियन रेलवेज। द कंपनी ऑल्सो अंडरटेक्स वेरियस ICT प्रोजेक्ट्स, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियन रेलवेज, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी दोस्तों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, सेंट्रल यूनिट्स हैं, सभी इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। और ये देखिए इंक्लूडिंग वेरियस ट्रेन कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट्स फॉर इंडियन रेलवेज। तो अगर इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्किंग ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया पोस्ट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, सुलेखा प्लान, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से आपको इससे ये मालूम चलता है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों बहुत बड़े हैं, वाइड स्केल पर ये काम करते हैं, काफ़ी रॉबस्ट इनकी एक प्रेजेंस है इंडिया में, और पूरे इंडिया में दोस्तों बहुत बड़ा इनका जो है नेटवर्क है ऑप्टिकल फाइबर का। जैसा मैंने अभी आपको पीछे दिखाया 5900 प्लस से ज़्यादा के इन्होंने रेलवे स्टेशन को रेल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो आप समझ सकते हैं पूरे देश में ये इनका नेटवर्क फैला हुआ है। अब यहाँ बात करें भारत नेट बूस्ट टू ग्रोथ इन फाइबर नेटवर्क। तो ये भारत नेट दोस्तों एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहाँ पर कि रूरल एरियाज़ में ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराई जाएगी आने वाले समय में। आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ा जाएगा, मतलब कि हर लास्ट माइल पर आपको यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ये इनका एक प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट का कि यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विस को टेक्नोलॉजी को पहुँचाया जाए रूरल इंडिया तक भी। अब देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कितने अभी ग्राम पंचायत में इंस्टॉल्ड है ये इनका वाईफाई, देखिए 56611 ग्राम पंचायत में, और वाईफाई ऑपरेशनल है देखिए 24804 ग्राम पंचायत में। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, इससे रेलटेल दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में। इसके बाद अगर ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है ये वाला, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा जंप आ सकता है। रिटेल हेल्थ केयर सेगमेंट में भी यू नो VPN का अडॉप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी इसके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है और कई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं इसके प्रपोज प्रोजेक्ट्स आपको बताऊं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, तो वो है इसका एक इंपॉर्टेंट HMIS प्रोजेक्ट, जहाँ पर कि जितने भी कंप्यूटराइज्ड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर एक कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि उनका हेल्थ का रिकॉर्ड सब रखा जा सके, यू नो मेडिकल रिपोर्ट पूरी पेशेंट की रखी जा सके, एक पेशेंट की लाइफ साइकिल पूरी वहाँ पर ट्रैक होगी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए केनिया अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये दोस्तों यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ बाहर भी ये यू नो एक्सपेंड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। अब देखिए केनिया में अभी इन्होंने अफ्रीका में यू नो एक अफ्रीका में इन्होंने डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए अभी बिडिंग करी है, ये प्रोजेक्ट अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर एक पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स में केनिया में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाएंगे, तो ये बिडिंग भी इन्होंने कर रखी है। देखिए मॉडर्न ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, डिजिटलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर रेलटेल भी सबसे बड़ा इसका बेनिफिशियरी होगा। विलेज कनेक्टिविटी अंडर ESUF। तो ये कुछ प्रपोज प्रोजेक्ट हैं और अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हैं दोस्तों, बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ये था इसका बिजनेस मॉडल दोस्तों। अब आगे चल के आपको यहाँ पर IPO के डिटेल्स में बता दूँ, तो आप देखिए 16 फेब को ये ओपन हो रहा है, 18 को क्लोज हो जाएगा।
₹10 पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस रखा गया है 93 एंड 94, तो अपर प्राइस बैंड पे ही आपको अप्लाई करना है क्योंकि इसमें हैवी सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। मार्केट लॉट 155 शेयर का होगा और देख सकते हैं इशू का साइज 820 करोड़ का है और ये ऑफर फॉर सेल है कम्प्लीटली। ये एक डाइवेस्टमेंट का पार्ट है दोस्तों, तो डाइवेस्टमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है और ओएफएस से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है दोस्तों, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर 16 को ओपन हो रहा है, 18 को क्लोज हो जाएगा, 23 फेब को अलॉटमेंट आना चालू हो जाएंगे, 24 को अलॉटमेंट नहीं आया तो यहाँ पर रिफंड आना चालू हो जाएंगे, 25 को डीमैट में आपके शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट आया तो, और 26 को लिस्टिंग डे है और मिनिमम एक लॉट 155 का है तो ₹14,570 की इधर रिक्वायरमेंट होगी, मैक्सिमम 1,89,000 और 13 का लॉट होगा। और दोस्तों रिटेल कोटा है इसमें है 35%, तो अच्छा खासा रिटेल पोर्शन है इसमें, तो यहाँ पर डेफिनेटली यू नो चांसेस देखिए आ सकते हैं अगर कम सब्सक्राइब हुआ तो, लेकिन मेरे को लगता है ये हैवीली सब्सक्राइब होगा तो यहाँ पर चांसेस थोड़े से आपको कम मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाएंगे तो डेफिनेटली चांसेस वहाँ पर इंक्रीज होते हुए आपको दिखेंगे। फाइनेंशियल्स की बात करें, देखिए ये मिलियंस में वैल्यू मैं आपको करोड़ में बताऊंगा, तो एसेट्स आप देखिए मार्च 18 में 2322 करोड़ के एसेट्स थे, उसके बाद थोड़े से यहाँ पर कम हुए, देखिए 2276 हुए, फिर हुए 2398, फिर हुए 2482, तो यहाँ पर थोड़े से वापस बढ़े। टोटल रेवेन्यू में आप देखिए कि 1021 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ के हुआ 1028 करोड़, फिर बढ़ के हुआ 1166 करोड़, फिर बढ़ के आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है रेवेन्यू, क्योंकि ये हाफ ईयरली है, 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 का ही हाफ ईयरली है, तो यहाँ पर 553 करोड़ है, तो ये समझ सकते हैं कि रेवेन्यू भी अच्छे खासे इनके जंप हो रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए 134 करोड़, 135 करोड़, 141 करोड़, फिर यहाँ पर 45 करोड़, तो आप देख सकते हैं हाफ ईयरली दोस्तों इनका थोड़ा सा यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि इनके रिजल्ट इतने शानदार ना आए, तो ये हमको नज़र इस पर ज़रूर बनाए रखनी है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल दोस्तों इसके अच्छे लग रहे हैं काफ़ी, अगर हम टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों को कंसिडर करें तो। फिर बात करें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, तो रेलटेल आईपीओ की स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स है, जैसा मैंने आपको भी बताया, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग रोबस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स है, साउंड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट टीम, एंड इसके थ्रेड्स भी आपको जानना जरूरी है। देखिए इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री एंड एनी एडवर्स चेंज इन पॉलिसी कुड डैम्पन बिजनेस फाइनेंशियल, तो ये एक बात, ये एक इसके लिए थ्रेट है कि ये हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में दोस्तों आपको पता ही है पिछले कई टाइम से थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देखने को आपको मिल रहा है। सेकेंड देखिए बात करें, रेवेन्यूज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन PSU कस्टमर, इंडियन रेलवेज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटीज़, तो ये चीज़ तो हमेशा रेलवे की जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनके साथ जुड़ी हुई है कि यहाँ पर जो इनके डिपेंडेंसी है वो काफ़ी है इंडियन रेलवेज पे या फिर PSU कस्टमर्स पे। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू स्टे कॉम्पिटिटिवली स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर यू नो इंडिया बढ़ चुका है, रेलवे इंडियन रेलवेज बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर नहीं इंडियन रेलवे दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अपग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको एक कंपटीशन बहुत ही अच्छा मिलता है इस स्टेज पे। अब रिलायंस जियो भी दोस्तों इसमें कदम रखने वाला है, तो ऑलरेडी रख दिया है, अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन देखिए ऑलरेडी यहाँ पर गजब का कॉम्पिटिशन है। इंटरनेट सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड थेफ्ट, तो यहाँ पर जितने भी यू नो इन्फॉर्मेशन डेटा प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स हैं वो हमेशा जुड़े रहेंगे ऐसी इस इंडस्ट्री के साथ। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्राइसिंग प्रेशर नेगेटिवली इफेक्ट बिजनेस रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉस्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्राइसिंग प्रेशर भी इसमें रहेगा। तो ये थे इसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, चलिए बात कर लें मेन इंपॉर्टेंट वो है वैल्यूएशंस एंड इसके कौन कौन यहाँ पर पीयर्स हैं। तो ये लिस्ट इंक्लूड है दोस्तों बोथ टेलीकॉम सर्विस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि रेलटेल दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आती है। तो आप EPS देखिए, EPS रेलटेल का अभी कंटिन्यू करंटली है 4.40 का, और आप देखेंगे बाकी सबके यहाँ पर नेगेटिव है, सिर्फ टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड और रेलटेल का यहाँ पर पॉजिटिव है, और इसी की वजह से आपको यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है क्योंकि बाकी यही दो कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं है। भारती एयरटेल भी अब जाके प्रॉफिट में आने लगी है। तो अगर बात करें PE की, तो अगर इससे कंपेयर करें टाटा कम्युनिकेशन से, तो दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं अभी अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे ये अवेलेबल है। इंडस्ट्री का एवरेज PE भी आप मान के चलिए करीब करीब 40 के आसपास होना चाहिए, तो अभी अच्छे खासे अंडर वैल्यूएशंस पे ये रेलटेल का IPO लॉन्च हो रहा है।
तो बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, नज़र आ रही है। और इसके पीयर्स आप देख लीजिए, रेलटेल, भारतीय एयरटेल, एमटीएनएल, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया, एचसीएल, इंफोसिस्टम्स। अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके जो मेन कंपटीटर हैं वो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड है एंड एचसीएल इंफोसिस्टम्स है। टेलीकॉम की बात करें तो भारतीय एयरटेल, एमटीएनएल, वोडाफोन आइडिया। तो ये हैं इसके वैल्यूएशंस एंड पीयर्स के साथ इनका कंपैरिजन। अब इसमें हम बात करेंगे, देखिए किसकी ग्रोथ कितनी है। तो आप देख सकते हैं रेलटेल की ग्रोथ आपको यहाँ पर 7.13% नज़र आ रही है सीएजीआर से, और टाटा कम्युनिकेशन की 2.81 से। बाकी आप देख सकते हैं ये बाकी सब इनकी रेवेन्यू नेगेटिव में है। एचसीएल इंफोसिस्टम, तो दोस्तों इससे एचसीएल टेक्नोलॉजी से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दूसरी है जो सिर्फ यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बाकी सबका यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखेगा। ओनली अगर हम रेलटेल या फिर टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इनका रेवेन्यू पॉजिटिव में दिख रहा है। रिटर्न ऑन एसेट भी आप देख सकते हैं, सिर्फ रेलटेल और टाटा कम्युनिकेशन का रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पर पॉजिटिव में है, बिकॉज यहाँ पर सबका आपको देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी अभी नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलटेल इज दी ओनली वन जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर पॉजिटिव में है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए तो 16.28% का है, तो यहाँ पर अच्छा है। टाटा कम्युनिकेशन का 22 का है, तो ये भी अच्छा है। देखिए और कंपैरिजन आप कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेलटेल ने यहाँ पर अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अब बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी चल रहा है दोस्तों आज की डेट में यहाँ पर ₹40 पर शेयर। तो 94 की अपर प्राइस बैंड पे ₹40 करीब करीब आपको मान के चलिए 40 से 45%, जी हाँ दोस्तों 45% प्रीमियम पे आपको आज की डेट में दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसका लिस्टिंग प्राइस करीब करीब 135 के आसपास होना चाहिए, तो इतने पे लिस्ट हो सकता है। तो अगर दोस्तों लिस्टिंग अच्छी मिली, देखिए इसके लिस्टिंग के चांस और भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है ये 135 से और ऊपर जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। निफ्टी अगर स्टेबल भी रहा तो दोस्तों आपको डेफिनेटली इतने लिस्टिंग ये देखने को मिलेंगे। अगर निफ्टी करेक्ट हुआ, मार्केट करेक्ट हुआ, तो आपको ये जो है थोड़े से यहाँ पर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये तो मार्केट जिस दिन लिस्ट होता है दोस्तों उस दिन पे डिपेंड करता है कि ये कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। और अगर वैसे देखा जाए नॉर्मल रहा तो 40 मतलब 145% के लिस्टिंग गेन देखने को आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं रेलटेल में, जो कि एक अच्छा लिस्टिंग गेन है। चलिए अब मेन चीज़ बात करेंगे, लिस्टिंग के डे क्या करें, शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ओएफएस से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़, ओएफएस दोस्तों इसमें नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है रेलटेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अपने 27% के आसपास स्टेक बेच रही है, तो यहाँ पर 75% से कम उनकी स्टेक हो जाएगी एज पर दी सेबी नॉर्म्स। तो यहाँ पर वो इसको फुलफिल कर लेंगे, तो यहाँ पर और स्टेक उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये पहले ही अच्छे खासा अपना डाइवेस्टमेंट स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। इसमें ओएफएस के चांसेस अब जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये थी ओएफएस से रिलेटेड न्यूज़। अब लिस्टिंग पे क्या करें, देखिए लिस्टिंग पे डेफिनेटली दोस्तों अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो लिस्टिंग पे आप ज़रूर, अगर लिस्टिंग डे इनके लिए आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अब बात करें शॉर्ट टर्म की, देखिए शॉर्ट टर्म में दोस्तों मुझे लगता है कि ये परफॉर्म अच्छा कर सकता है, क्योंकि अभी इसके वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, और वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, और जिस कंपनी का जिस जैसा इसका बिजनेस मॉडल है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। देखिए अब मैंने आपके साथ कंपेयर करके बताया कि जो पिछली जो इसके साथ की पीयर्स हैं वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, एक टाटा कम्युनिकेशंस है बस, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हो सकता है ये भी आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे, लेकिन ये दोस्तों हम पे डिपेंड करता है कि हमको कैसे एग्जीक्यूट करना है शॉर्ट टर्म में। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है ये, आपको पता है मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो लॉन्ग टर्म में हमको देखते रहना पड़ेगा, अगर ये प्रॉफिटेबल बनी रहती है तो हम इसके साथ जा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, और अच्छा इसका क्लाइंट बेस है, और प्रेजेंस अच्छी है ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंपिटेटिव इंडस्ट्री है तो हमको देखना पड़ेगा प्राइसिंग क्या रहती है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या रहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको हमेशा देखना पड़ता है कि ईपीएस क्या है, ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं।
प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है कि नहीं, रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी ये फिट बैठती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको उसके लिए यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।